तो दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हो एक YouTube चैनल स्टार्ट करना? आपका माइंड में काफ़ी कंफ्यूजन है YouTube चैनल स्टार्ट करने के बारे में। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि YouTube चैनल आपको स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप बिल्कुल सही वीडियो स्टार्ट किए हैं। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा चलेगा, यानी मैं सब कुछ डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो देखें, अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है तो अभी वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या आपको YouTube चैनल स्टार्ट करनी चाहिए, हाँ या ना, ए टू जेड सब कुछ। तो पहले बताते हैं आपको कि क्यों आपको YouTube चैनल नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। मैं आपको दो रीज़न बताता हूँ नहीं स्टार्ट करने का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा YouTube चैनल क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिशन। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है कि आप अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो आप टिक नहीं पाओगे शायद, क्योंकि YouTube चैनल में अभी आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, चाहे वो छोटा कैटेगरी हो, बड़ा कैटेगरी हो, हर एक YouTube चैनल की कैटेगरी में आपको कंपटीशन देखने को मिलेंगे। अगर बात करें लॉकडाउन से पहले की बात, तो लॉकडाउन से पहले थोड़ा बहुत कंपटीशन था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये लॉकडाउन होने के बाद कॉम्पिटिशन हो चुका है बहुत हाई लेवल तक। यानी लॉकडाउन में कॉम्पिटिशन हो चुका है 50% से 100% तक। तो दोस्तों, पहले YouTube चैनल के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता था, थोड़ा टाइम देना पड़ता था, तो हो जाता था सब कुछ। लेकिन अभी के टाइम पे आपको अगर एक चैनल ग्रो करना है तो आपको देना पड़ेगा आपका 100% टाइम, और आपका मेहनत लगेगा डबल ट्रिपल। मान लो आप ड्रम्स बजाना सिखाते हो या फिर पियानो बजाना सिखाते हो, तो आप जब यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे हाउ टू प्ले ड्रम्स या फिर हाउ टू प्ले पियानो, तब आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स पहले से YouTube चैनल स्टार्ट करके बैठे हुए हैं। उनके पास आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स है, और सबसे बड़ी बात पैसा है। तो आप अभी समझ सकते हो कि आपके पास क्या है, क्या उनके पास है। आप अपने आप से सवाल करो, क्या आपके पास ऐसा कुछ भी है जिससे आप YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हो? अगर आपके अंदर से आंसर आता है येस, तो यू कैन नाउ स्टार्ट YouTube चैनल राइट नाउ। अब चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। सेकंड पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। तो गाइस, आप अगर अभी कोई काम करते हो और आप सोच रहे हो कि यूट्यूब चैनल साइड से स्टार्ट किया जा सकता है एज ए पार्ट टाइम, तो मैं आपको कह दूं कि ये आपका छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गलत फैमिली है। क्योंकि अभी के टाइम पे यूट्यूब एज ए पार्ट टाइम नॉट पॉसिबल। यूट्यूब में आपको अगर आप पूरा पूरी प्रॉपर टाइम दे सकते हो तो ही आप YouTube चैनल स्टार्ट करें, या फिर आपका टाइम बेकार में ही ख़राब हो जाएगा। यानी दोस्तों, अभी YouTube पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आपको पूरा टाइम देना ही पड़ेगा YouTube में, तो ही आपका वो वीडियो चलता है, वरना आपका वो वीडियो वहीं पे रुक जाता है। दोस्तों, पहले क्या था कि कोई भी कैसे भी वीडियो शूट करता था, एडिटिंग तो छोड़ दो, कैसे भी शूट करके वीडियो YouTube में अपलोड कर देता था। पर अभी का सिचुएशन ऐसा नहीं है, उस टाइम कंपटीशन नहीं था, इस टाइम हाईली कंपटीशन है। आपको अच्छा वीडियो शूट करना आना चाहिए, आपको अभी अच्छा से वीडियो शूट करना पड़ता है, अच्छा वीडियो कंटेंट बनाना पड़ता है, देन आपको उसे एडिटिंग करना पड़ता है। यानी अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो आपको YouTube के बारे में फुल्ली नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको अच्छा वीडियो कॉन्टेंट बनाने के लिए अच्छा शूट करना पड़ता है, अच्छा आपको शूटिंग का नॉलेज होना चाहिए, अच्छा इक्विपमेंट्स होना चाहिए, अच्छा DSLR कैमरा होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पास कैमरा नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, अच्छा अगर कैमरा वाला स्मार्टफोन हो तो भी आराम से आप वीडियो शूट कर सकते हो। और साथ ही में आपको अच्छा एक माइक लेना होगा, अच्छा लाइटिंग सेटअप आपके दिमाग में होना चाहिए। ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और ये सब करने के बाद भी वीडियो जब आप अपलोड करते हो तब अच्छा से वीडियोज़ का SEO करना पड़ता है। SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी वीडियोज़ का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, इसके ऊपर अच्छा से काम करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका वो वीडियो रैंक करता है। आप कैसे भी करके वीडियो अपलोड करने से वो वीडियो रैंक नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको अगर YouTube के बारे में सब कुछ नॉलेज चाहिए, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है YouTube, तो आप हमारे YouTube चैनल का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है YouTube मास्टर कोर्स। आप यहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं YouTube के बारे में A to Z स्किल्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये वीडियो देखने के बाद वो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो दोस्तों, अभी तक मैंने
मैंने आपको बताया कि YouTube चैनल आपको क्यों नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, पर अब मैं आपको बताऊंगा YouTube चैनल क्यों आपको स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरा नाम है रोहन, आप देख रहे हैं टॉक टेक YouTube चैनल। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए हुआ बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए, जब भी आगे इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाए आप सबसे पहले देख पाए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे YouTube वीडियोस तो देखते हो, पर काफ़ी ऐसा भी इंसान है जो वीडियोस को देख के भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 98% लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 2% यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए जब भी ये वीडियोस देखते हैं। लाइक कीजिए ना कीजिए, पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तब हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए इसी तरह का वीडियोस लाते रहते हैं। तो अब चलिए दोस्तों वीडियोस का मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूट्यूब चैनल आखिर क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा कुछ कुछ वजह दूंगा, ऐसा कुछ कुछ मोटिवेशनल बात बताऊंगा जिससे आप इस वीडियो को ख़त्म होते ही आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देंगे, मुझे इतना यकीन है। तो चलिए एक एक करके पॉइंट बताते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पैसन। जी हाँ दोस्तों, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना पैसन को, हॉबीज़ को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। यानी YouTube का मदद से, YouTube का जरिए आप अपना पैसन को फॉलो करके भी बहुत आगे सक्सेस पा सकते हो। आप अपना सक्सेस जो है उसे अचीव कर सकते हो। कैसे? मान लो आप गाना गाना बहुत पसंद करते हो या फिर डांस करना बहुत पसंद करते हो, तो आप उसी गाना का वीडियो या फिर आप अपना डांस का वीडियो YouTube पे अपलोड करो। उसके बाद जब वो वीडियोस वायरल हो जाएगा, तब आप एक अच्छा जगह पे, एक अच्छा मुकाम पे पहुंच सकते हो YouTube के जरिए। कहते हैं ना कि किस्मत अगर चाहे तो क्या ना हो जाए, उसी तरह YouTube में आप अगर काम करो, YouTube में अगर आप अपना मेहनत करो, तो आपका किस्मत और मेहनत एक दिन आपको ऐसा जगह पे ले जाएगा कि आपको पीछे घूम के कभी देखना नहीं होगा, पलट के कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना पैसन को, अपना हॉबीज़ को आगे बढ़ा के भी आप अपना करियर को बहुत सुंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस के बारे में अगर आपको बताऊं, तो आप अगर पहले से कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो या फिर करने वाले हो, तो फिर YouTube आपको ले जा सकता है बहुत आगे तक। यानी YouTube आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। कैसे? मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसे YouTube में प्रमोट कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो आपका खुद का प्रोडक्ट का। आप जब YouTube चैनल स्टार्ट करते हो, कुछ दिन के बाद आपके पास एक ऑडियंस आ जाता है, एक ट्रैफिक जनरेट होता है। उसके बाद आप मान लो जब बहुत सारा ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी इकट्ठा हो जाता है, तब आप कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लो कोई टी शर्ट का ब्रांड, एग्जाम्पल ले लो कोई डियो का ब्रांड, आप कोई भी ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। आप अगर बात करो मेरा, तो मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ, मेरे पास एक टेक यूट्यूब चैनल है, तो मैं कल एक कोई भी कोर्स लॉन्च कर सकता हूँ जिससे मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत पैसा मैं अर्न कर सकता हूँ उस कोर्स के मदद से। ऐसा बहुत हो रहा है यूट्यूब में, आप देखते भी होंगे। अब बात करता है हमारा तीसरा पॉइंट, एक्सपीरियंस। तो यूट्यूब जब आप स्टार्ट करते हो दोस्तों, तब यूट्यूब में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होता है। यानी आप जब YouTube स्टार्ट करते हो, तब आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, फोटो एडिटिंग, इंटरनेट से जुड़ी हुई काफ़ी नॉलेज आपको गेन होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लाइफ में। तो YouTube में आप अगर ज्वाइन करते हो, तो फिर आप चाहो और ना चाहो आपको ये सब सीखना ही पड़ता है, ये सब स्किल आपके अंदर होना ही चाहिए, तो आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हो सकते हो। आपकी मुलाकात होती है ऑनलाइन से, यानी इंटरनेट का दुनिया से, और इंटरनेट का दुनिया से जब आप मिलते हो, तब आपका बंद दिमाग भी खुल जाता है। एक बात मैं अगर कहूँ, तो आपका दिमाग एक अलग क्रिएटिविटी में चला जाता है, क्योंकि YouTube आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाता है, आपका पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है, आपको बात करने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। YouTube आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाता है। ये सब चीज़ आप खुद भी एक्सपीरियंस करोगे जब आप YouTube स्टार्ट करोगे, कि आपके अंदर क्या क्या चेंजिंग हुआ, आपका लाइफ कितना चेंज हो चुका है, आपका बात करने का तरीका कितना चेंज हो चुका है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना डेवलप हो चुका है, तो ये सब भी बहुत मैटर करता है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलैरिटी और फेमस। तो दोस्तों आप जब YouTube स्टार्ट करते हो, तब आपका फेमस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पॉपुलर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
आपका एक नया पहचान बनता है, आपके साथ बहुत इंसान जुड़ता है। YouTube में क्या होता है, जब आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो वो एक सब्सक्राइबर मीन एक इंसान। तो आपका अगर 5000 सब्सक्राइबर है यानी 5000 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, 10000 सब्सक्राइबर है यानी 10000 इंसान आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हो हमारा जो टेक्निकल गुरुजी है 2 करोड़ सब्सक्राइबर, यानी दोस्तों 2 करोड़ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही में आप जब वीडियोस अपलोड करते हो YouTube में तब आपको वो वीडियो लाइक करते हैं इंसान, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपका Instagram पे बहुत DM करते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं, आपको मेल्स करते हैं, जिससे आपको लगता है कि आप कुछ अलग कर रहे हो, आप खास हो, बाकियों से हट के हो। तो ये चीज़ भी एक अलग ही अपने आप में बहुत ही अच्छा फील होता है। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी बहुत अच्छा फील करता हूँ जब मेरे साथ ऐसा होता है, और आप भी एक दिन फील करोगे अगर आप आज ही स्टार्ट करते हो एक यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों हमारा टेक्निकल गुरुजी हो गया या फिर अजय नगर जो है कैरी मिनाटी, आज अगर वो लोग नहीं स्टार्ट करता यूट्यूब चैनल तो आज इतना फेमस नहीं होते। तो दोस्तों जैसे कि इंडिया का कैरी मिनाटी नंबर 1 यूट्यूबर है, आज वो अगर नहीं स्टार्ट करते यूट्यूब तो आज क्या वो नंबर 1 यूट्यूबर होते। उनके भी पहले व्यूज़ आते थे 100, 200, 500, लेकिन आज मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि बच्चा जानता है कि कैरी मिनाटी कौन है, कैरी मिनाटी क्या है, सबको पता है। तो आपको यूट्यूब बहुत आगे ले जाता है, साथ में आपको पॉपुलर करता है, फेमस करता है, आपके पास एक फेम भी आ जाता है। तो यूट्यूब्स के मदद से आप पॉपुलर भी हो सकते हो। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब यूट्यूब स्टार्ट करते हो तब भले ही आपके पास 0% कॉन्फिडेंस हो, बट यूट्यूब स्टार्ट करने की कुछ ही दिन बाद आपका वो कॉन्फिडेंस 0 से लेके 100 तक पहुंच जाता है। यानी आपका नर्वसनेस पूरा पूरी खत्म हो जाता है। आप जो वीडियोस बनाते हो उस वीडियोस को लाखों इंसान देखता है, तो आपका उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है आपके लाइफ में। आपका बात करने का तरीका धीरे धीरे चेंज हो जाता है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, आप खुद फील करते हो कि आपका अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो सिर्फ, तो आप यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, सबसे मज़ेदार पॉइंट जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो पॉइंट पैसा, मनी। जी हाँ दोस्तों, आप अगर हमसे जानना चाहते हो कि YouTube में कितना पैसा आप कमा सकते हो, एक यूट्यूबर YouTube से कितना पैसा कमाता होगा, मैं कितना कमाता हूँ, तो मेरा आंसर यहाँ पे होगा आई डोंट नो। जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं पता है कि कितना पैसा कमा सकता हूँ। ये आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि YouTube से कितना पैसा आप कमा सकते हो, हो सकता है लाखों में, हो सकता है करोड़ों में। जी हाँ दोस्तों, आप करोड़ों में भी कमा सकते हो और लाखों में भी कमा सकते हो। हमारे काफ़ी इंडिया के यूट्यूबर्स हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको पता है कौन कौन ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो करोड़ों में कमाते हैं। तो आप भी कमा सकते हो, यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, और शायद दोस्तों इसीलिए यूट्यूब को कहा जाता है मनी ऑफ द ट्री, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पैसों का पेड़। सही सुना आपने, पैसों का पेड़, इसका पीछे का मीनिंग आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। यानी दोस्तों YouTube एक ऐसा पेड़ है जिससे आप अनगिनत पैसा कमा सकते हो, अनगिनत पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों YouTube से आप कई तरीका से पैसा कमा सकते हो, कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। YouTube चैनल जब आप स्टार्ट करते हो तब काफ़ी तरफ से पैसा आना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो वीडियोस अपलोड करते हो वो वीडियो जब मोनेटाइज होता है तब एक अलग पैसा आता है, उसके बाद YouTube का बिजनेस हो गया, उसके बाद YouTube का स्पॉन्सरशिप हो गया, स्पॉन्सरशिप से भी आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो, उसके बाद YouTube का सुपर चैट्स है, मेंबरशिप्स है, ऐसा बहुत सारा तरीका है जिससे आप पैसा कमाते हो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे आप YouTube से अपना लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो गाइज, आप 17 का हो या फिर 70 का हो, सबके माइंड में आखिर में एक ही सवाल आ ही जाता है घूम फिर के, क्या आपको YouTube चैनल स्टार्ट करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए। तो आपको मैंने सारा कुछ डिटेल्स में समझाया, डिस्कस किया आपके साथ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि YouTube ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान है, YouTube टफ है। आप अगर पहले से YouTube से बेटर कोई काम करते हो तो उसे छोड़ के YouTube ज्वाइन करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि YouTube बहुत आसान है।
यूट्यूब सच में बहुत टफ है। आप अगर यूट्यूब को अच्छा खासा टाइम दे सकते हो, यूट्यूब में आप सीख सकते हो, तो ही आप यूट्यूब स्टार्ट करो, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। यूट्यूब ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब ज्वाइन करोगे और बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास गैजेट होना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। तो आपके पास अगर टैलेंट है तो आप अभी तुरंत यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो और फिर देखो कि आप कहां से कहां तक पहुंचते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत मोटिवेट था आज का ये वीडियो आपके लिए, सबके लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी समझ आया, वीडियो अच्छा लगा, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपना फ्रेंड्स में शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और पास में दिया हुआ बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कीजिए कि जब भी हम आगे इस तरह का वीडियो लाए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वो वीडियो मिस ना करें। और दोस्तों आप अगर एक यूट्यूबर हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर आपका यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन करो, आपका नाम बताओ कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हो। मैं जानना चाहता हूं कि आप आखिर कहां से हो, आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट्स में बताइए, आपको आगे अगर कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए आप वो भी नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। और हाँ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात फिर से मैं कहना चाहूँगा, आप अगर YouTube सीखना चाहते हो, YouTube में ग्रो करना चाहते हो, YouTube के बारे में ऑल स्किल्स आप सीखना चाहते हो, तो फिर आप हमारे YouTube चैनल का जो एक स्पेशल प्लेलिस्ट है YouTube मास्टर कोर्स, वो आप यहाँ पे जाके चेक करें। उसमें काफ़ी वीडियोस मिलेंगे आपको फ्री में, जिससे आप YouTube सीख सकते हो। और हो सके तो थोड़ा सा प्यार हमारा Instagram पे भी आप दिखाई दीजिएगा, Instagram का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह को कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।